हेलो यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके साथ रेमेडी शेयर कर रही हूँ, उसको अगर आप अपने हेयर पे वीक में 2 टाइम्स यूज़ करते हैं, आपको इतने ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके बालों से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो चलिए चलते हैं, बात भी करते चलेंगे और आपको हेयर पैक बनाना भी सिखाएंगे एंड इसकी गुडनेस भी बताएंगे। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है। अगर आप इसको वीक में 2 टाइम्स यूज़ करते हैं, आपको प्रॉमिस करती हूँ आपका एक भी हेयर जो है वो नहीं गिरेगा और आपके बालों को ये बहुत ज़्यादा घना मोटा एंड आपके बालों को सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेट कर देगा। आपको किसी भी केराटिन ट्रीटमेंट लेने की, पार्लर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बाल स्ट्रेट रहे, आपका बाल शाइनी रहे और बिना रिबाउंडिंग के आप अपने बाल अगर स्ट्रेट करना चाहते हैं, तो इस हेयर पैक को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। सो यहाँ पे मैंने अपने जो फ्लैक्स सीड थी, मैंने 1 कप फ्लैक्स सीड ली थी और उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। आपको भी वॉश शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो भी धूल मिट्टी होती है वो वॉश करने से इसको जो है वो क्लीन हो जाती है, अच्छे से साफ़ हो जाती है। और उसके बाद आप कोई भी एक पैन ले लीजिए, कोई भी भगोना बर्तन कुछ भी ले लीजिए जो नीचे से उसका तला जो है मोटा हो, भारी तले का जो है वो आप लीजिएगा। और इसमें मैंने 3 ग्लास पानी जो है वो ऐड कर दिया है। और पानी ऐड करने के बाद आपने, मैंने इसको फ्लेम पे चढ़ा दिया था। और फ्लेम पे चढ़ाने के बाद आपको पहले फ्लेम को जो है फुल रखना है 2-3 मिनट के लिए, बाद में फ्लेम को आपको स्लो कर देना है। नेक्स्ट इसमें मैंने जो है वो फेनोग्रीक सीड लिया है, यानी कि मेथी दाना, जो कि हमारे किचन में ईजिली अवेलेबल है। अब मैं इसमें जो है वो मेथी दाना ऐड करूँगी जो कि हमारे मास्क को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएगा और हमारे बालों को स्मूथ बनाने में वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने ये भी इसमें ऐड कर दिया है और इसको आपको चलाते रहना है, वरना इसका जो जेल है बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और फिर इसको जो है वो स्ट्रेन करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपको अगर लगे कि आपका पानी जो है इसमें थोड़ा सा जो है वो थिक हो रहा है, तो थोड़ा वाटर आप इसमें और ऐड कर सकते हैं और इसको कंटिन्यूसली आपको चलाते रहना है। 10 से 15 मिनट का टाइम ये अच्छे से कुक होने में ले लेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्लोली स्लोली जो है हमारा हेयर मास्क जो है, जो ये फेनोग्रीक सीड एंड फ्लैक्स सीड है, दोनों अच्छे से कुक्ड हो रहे हैं और इसी तरह से आपको इसका यूज़ करना है। फ्रेंड्स, आपको प्रॉमिस करती हूँ, अगर आपने ये मास्क जो है वो आपने मंथ में कम से कम 3 से 4 बार लगाना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपका सबसे बड़ी बात है कि आपका हेयर फॉल नहीं होगा। आपके हेयर जो आप स्ट्रेटनिंग हेयर की चाहते हैं, तो आपके हेयर स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग पार्लर में जाके इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके आप केराटिन ट्रीटमेंट लेते हैं, रिबॉन्डिंग कराते हैं और कितने सारे केमिकल आपके हेयर्स पे अप्लाई किए जाते हैं और इतना सारा पैसा भी वेस्ट करते हैं, बट उसके बाद जो है हमारा हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो अब मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी, आप इस हेयर मास्क को यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको सेम रिबॉन्डिंग वाले हेयर आपको मिल जाएंगे। एंड आपके सबसे अच्छी बात है कि आपके हेयर जो है वो हेयर फॉल होना भी स्टॉप हो जाएगा, आपके हेयर घने भी होंगे एंड आपके बालों को ये अंदर से मजबूती भी देगा। तो यहाँ पे हमारा हेयर मास्क जो है आप देख सकते हैं कि बन के रेडी हो गया और अभी ये काफ़ी गर्म है और हमें इसे गर्म गर्म ही स्ट्रेट कर लेना है, वरना ये फ्लैक्स सीड जो है वो जेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेनर ले लिया है एक बड़ा और इस तरह से हम इसको सारा जितना भी इसका जो जेल है उसको हम निकाल लेंगे। और जेल जो है वो आपको थोड़ा सा गर्म ही निकालना है, वरना अगर आपने थोड़ा सा भी डिले कर दिया तो ये सारा जेल जो है इतना थिक हो जाएगा कि आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ और इसे अप्लाई करने का पूरा आपको तरीका बताऊँगी और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है अभी आगे, तो वो भी आपको बताऊँगी। तो वीडियो फुल देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए इसी टाइप के और वीडियोस लेकर आते रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो हूँ वो जेल निकाल ले रही हूँ और काफ़ी दिन बाद मेरा वीडियो आ रहा है और आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पे मैं पहले इसको अच्छे से स्ट्रेन कर ले रही हूँ, स्ट्रेन करने के बाद आगे आपको प्रॉपर तरीका बताऊँगी कि इस मास्क को आपको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने जो फेनोग्रीक एंड फ्लैक्स सीड का जो जेल था वो मैंने कलेक्ट कर लिया है और आपको इस तरह से इसको ठंडा नहीं होने देना, गर्म ही निकालना है जैसे मैं निकाल रही हूँ। तो बाकी का जो ये पार्ट है वो वेस्ट हो चुका है, तो ये ऊपर का जो फ्लैक्स सीड एंड फेनोग्रीक सीड है इसको आपको फेंक देना है, इसका कोई भी यूज़ नहीं है। एंड फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको और बता देती हूँ, जब आप इस मास्क को यूज़ करते हैं देन हेयर वॉश करते हैं तो आपके हेयर ऐसे हो जाएंगे जैसे कि एक बच्चे के हेयर होते हैं, एकदम बेबी सॉफ्ट हेयर।
सो फ्रेंड्स, इस हेयर मास्क की जितनी गुडनेस मैं आपको बता रही हूँ ना, उतनी कम है। जब आप यूज़ करेंगे तो आपको अपने हेयर में डिफरेंसेस खुद देखने को मिलेंगे, बट आपको उसको बनाना होगा, यूज़ करना होगा, देन अपना रिजल्ट जो भी आए वो मेरे साथ शेयर करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें कैसा जेल जो है वो इसमें से मिला है। तो आप देख सकते हैं कितना शाइनी जेल है, और जिस तरह की ये शाइन कर रहा है ऐसे ही आपके हेयर भी जो हैं वो एकदम से शाइन करना स्टार्ट हो जाएंगे। बट आपको यूज़ तो करना ही होगा, जब हम कोई चीज़ करते हैं तभी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ हमारा जेल बनके जो तैयार हो गया, आप देख सकते हैं जेल अभी बहुत गर्म है, तो थोड़ा सा हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, बाद में हम इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ हमारा जेल जो है आप देख सकते हैं ठंडा हो चुका है। तो अब हम अपना हेयर मास्क प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने अपने हेयर के अकॉर्डिंग दूसरे पॉट में जो है वो जेल ट्रांसफ़र कर लिया है, और अब हम इसमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है एलोवेरा जेल। तो मैं यहाँ पतंजलि का ले रही हूँ, अगर आपके पास प्लांट वाला है तो आप प्लांट वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो एलोवेरा जेल ऐड कर दिया है, आप भी इसमें 3 से 4 स्पून के करीब जो है वो इसमें ऐड कर दीजिएगा, या फिर जितने आपकी हेयर लेंथ हो उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल ऐड कर दिया, क्योंकि मेरी लेंथ ज़्यादा है तो मैंने थोड़ा जो है एलोवेरा जेल यहाँ पे ज़्यादा ऐड किया है। प्लांट वाला अगर लेना है तो आप उसका घर में जेल निकाल लीजिएगा और उसके बाद जो है वो इसमें ऐड कर दीजिएगा। उसका जो पीला वाला पार्ट है बस वो किसी भी तरह से हेयर मास्क में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो मैं इसमें ग्रेप सीड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, जो कि अरोमा मैजिक का है। ग्रेप सीड ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप ग्रेप सीड ऑयल अगर अपने बालों में यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको हेयर रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। हमारे हेयर और स्किन दोनों के लिए अच्छा है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके बेनिफिट्स आपको एक अलग वीडियो में जो है बना के आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने कुछ ड्रॉप्स जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया है ग्रेप सीड ऑयल का, और इसी तरह से हमारा सेकेंड इन्ग्रीडियंट हो गया। तो यहाँ पे मुझे कुछ कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा ग्रेप सीड ऑयल 1 कैप के करीब जो है इसमें और ऐड कर दिया है। सो नेक्स्ट जो मैं इसमें इन्ग्रीडियंट ऐड कर रही हूँ वो है आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे जो है मैं ड्रॉपर की हेल्प से जो है कुछ ड्रॉप जो है इसकी आर्गन ऑयल की ऐड कर दूँगी। मेरा आर्गन ऑयल जो है थोड़ा सा अब ख़त्म होने वाला है, नेक्स्ट बॉटल मैं इसकी मंगवाऊँगी। तो यहाँ पर ड्रॉपर में कम आ रहा है, तो अगर आप ड्रॉपर से डाल रहे हैं तो आप इसमें 15 से 20 ड्रॉप जो है वो इसमें ऐड कर दीजिएगा आर्गन ऑयल के। आर्गन ऑयल के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है आर्गन ऑयल। तो यहाँ मैं आर्गन ऑयल जो है इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपके पास आर्गन ऑयल नहीं है तो आप इसमें आर्गन ऑयल जो है वो स्किप भी कर सकते हो, बट अगर है तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपको बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ मैंने बॉटल की हेल्प से जो है इसमें वो ऐड कर दिया है। तो चलिए ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं इसमें मैंने डाल दी हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं इसमें ऐड करूँगी, आप लोग गेस कीजिए कि मैं इसमें क्या ऐड करने वाली हूँ। लास्ट इंग्रेडिएंट जो है वो आपको लास्ट में ही पता लगेगा कि लास्ट में क्या मैं ऐड करूँगी, और वो आपको मिस नहीं करना है। और सबसे पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, तो ये हैंड मिक्सर की मदद से मैं जो है वो अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। आप चाहें अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उससे भी ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर आप मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड करके एक स्मूदी सी बना सकते हैं। बट यहाँ पर मैं हैंड से ही जो है इसको वो मिक्स कर ले रही हूँ, और आपको इस तरह से मिक्स करना है कि जो इसके एलोवेरा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल भी ना नज़र आए। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, आपको इसको बनाना है एंड यूज़ करना है। तो चलिए लास्ट इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो लास्ट है हमारा फिगारो ऑयल, जो कि जिसे हम ऑलिव ऑयल बोलते हैं, जिसे हम जैतून का तेल बोलते हैं, बहुत सारे इसके नेम हैं। तो यहाँ पे मैं जैतून का तेल इसमें जो है वो ऐड कर रही हूँ। जैतून का तेल जो है, एक तो विंटर स्टार्ट हो गए हैं, दूसरा जैतून का तेल जो है एक अकेला ऐसा हेयर ऑयल है, एक अकेला ऐसा ऑयल है जो हमारे हेयर के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड अगर आप जैतून के तेल को जो है प्याज के रस के साथ मिक्स करके आप जो है अपने हेयर पे अप्लाई करते हैं तो आपकी हेयर ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके हेयर फॉल हो गए हैं, आपके हेयर पे गंजापन आ गया ना, तो उसको भी ये जो है वो ट्रीट करता है, दोबारा से आपके बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी हेयर लेंथ इंक्रीज़ होती है। तो ये आपको टिप मिल गया फ्री में। तो चलिए अब हमारा हेयर मास्क बनके रेडी हो गया। तो फाइनली ये था हमारा हेयर मास्क, जिसे बनाने में पैसे तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली है, बट कुछ भी आप करो तो थोड़ा वर्क तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ हमारा मास्क बनके तैयार हो गया है, और मैं अपने बालों को जो है वो
सादे पानी से पहले वॉश कर लूँगी, उसके बाद इस मास्क को जो है वो इस जेल को अपने बालों पे अप्लाई करूँगी। और एक घंटे के लिए हमें इस मास्क को अपने बालों में 1 से 1.5 घंटा आप रख लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 2 घंटा भी रख सकते हैं, वैसे 1 से 1.5 घंटा इनफ है। तो यहाँ पर मैंने जो है इसको लगा लेना है और 1 से 1.5 घंटे अपने बालों में रखूँगी, और रखने के बाद इसको हेयर वॉश कर दूँगी, और वॉश करने के बाद अच्छे अच्छे रिजल्ट्स इसके लूँगी। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। प्रेस द बेल आइकॉन, बेल का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।